एक और खबर बता दें जहां पर अपराधी कितने बेखौफ हो चुके हैं कि खाकी का भी उन्हें अब खौफ नहीं रहा है। बेखौफ अपराधियों ने मुगल सराय बक्सर पैसेंजर ट्रेन में एस्कॉर्ट पार्टी पर हमला कर जीआरपी के एक जवान की हत्या कर दी। इस हमले में एक जवान गंभीर रूप से घायल भी हो गया है। घटना मुगल सराय बक्सर रेलखंड के बक्सर से सटे पौनी कमरपुर हॉल्ट के पास की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पौनी कमरपुर हॉल्ट से जैसे ही ट्रेन खुली, गाड़ी में पहले से ही सवार 6 हथियारबंद अपराधियों ने ट्रेन के एस्कॉर्ट में लगे सिपाहियों पर हमला बोल दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अपराधियों ने सिपाही अभिषेक सिंह और नंदलाल यादव को गोली मार दी और दोनों सिपाहियों के इंसास राइफल लूटकर फरार हो गए। इस घटना में एक सिपाही अभिषेक सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा जवान नंदलाल यादव गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे फौरन सदर अस्पताल बक्सर में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही रेल अधिकारियों में हड़कंप मच गया। दोनों जवान मुगल सराय जीआरपी में तैनात थे। रेल डीएसपी बनारस की अपनी टीम के साथ बक्सर पहुंचे और ट्रेन के अंदर का जायजा लिया। पुलिस ने ट्रेन के अंदर से खोखा बरामद किया है। वहीं पटना रेल एसपी जितेंद्र मिश्रा ने भी घटना का जायजा लिया। बक्सर पहुंचने से थोड़ा पहले तार तार तक गोली मारना शुरू किए, उसके बाद राइफल छीनना शुरू करे। हमारा हाथ में दैनिक गोली लगी, एक हाथ से हम कुछ नहीं कर पाए, फेल दिए, हम गिर गए और राइफल लेके सब उतर गए। दो आदमी थे भाई, कौन सा राइफल था? इंसास राइफल था। 63240 पैसेंजर गाड़ी जो मुगल सराय से आती है बक्सर, उसमें यूपी पुलिस थे, दो जवान थे, ड्यूटी कर रहे थे, तो उनको अपराधी ने गोली मारकर और राइफल दोनों ले लिया है। दोनों इंसास राइफल था। एक की मृत्यु हो चुकी है और एक इलाज चल रहा है। ब्लड स्टेन मिला है, मुगल सराय जी आरती के जवान हैं, वो स्कूल ड्यूटी है। हमारे दो ही जवानों को लगाया गया, दो ही जवान लगते हैं हमारे चैनल में। एक का नाम है अभिषेक सिंह और एक का नाम है लाल यादव।